मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कल्याण पश्चिम में रेलवे स्टेशन के नज़दीक एक 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में महात्मा फुले पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये घटना 1 दिसंबर को हुई थी और तभी से इस आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई थी। हालांकि CCTV और गोपनीय जानकारी के आधार पर करीब 14 दिन के बाद इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी भिवंडी का रहने वाला है, जिसका नाम सूरज शंकर सिंह उर्फ वीरेंद्र शंकर मिश्रा 32 साल बताया जा रहा है। पुलिस ने यह भी जानकारी दी है कि यह आरोपी पहले भी इस तरह की जुर्म कर चुका है और जेल से छूटने के बाद उसने दोबारा इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। बहरहाल पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इस पर पॉक्सो के तहत और अन्य विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर सलाखों के पीछे भेज दिया। कल्याण और पश्चिम रेलवे स्टेशन, वहाँ एक नाबालिग लड़की जिनकी उम्र 8 साल की थी, उनके साथ सेक्सुअल ऑफेंस और उनका मर्डर हुआ था, उसके बारे में यहाँ महात्मा फुले चौक पुलिस स्टेशन में धारा 302 और 376 के अंतर्गत और पॉक्सो के तहत अपराध दर्ज किया है और इसका इन्वेस्टिगेशन सीनियर PI श्री अशोक होनमाने ये कर रहे हैं। इस इन्वेस्टिगेशन में अन्वेषण में जो प्रमुख अपराधी है उसको कल गिरफ्तार किया गया। ये अपराधी ने इस अपराध के पहले भी 2013 में ऐसे ही एक बच्चे के साथ सेक्सुअल ऑफेंस किया था और जिसके बारे में पुलिस दल ने काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करके और पूरा सबूत इकट्ठा करके दोषारोप पत्र दर्ज किया था और उसके हियरिंग के बाद कोर्ट ने उसको 10 साल की सज़ा सुनवाई थी। ये सज़ा होने के बाद वो पिछले महीने ही 14 नवंबर को जेल से बाहर आया है और इस अपराधी ने ये दूसरा उससे भी और गंभीर अपराध किया है। हम लोग इसमें पूरी डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिसमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, साइंटिफिक एविडेंस और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, ये सब हम इकट्ठा कर रहे हैं और इस अपराधी के बारे में फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई होने के लिए हम माननीय कोर्ट इनको हम जज साहब को हम विनती करेंगे।